अगर कोई पूछे कि भारत की कौन सी नॉवल पर सबसे ज्यादा मूवी बनी है तो कहना देवदास। 16 ऑफिशियली अडेप्टेशन, 4 इंस्पायर्ड मूवी और 4 मॉडर्न डे अडेप्टेशन। ये रूप तुम्हारा इतना रूप अच्छा नहीं है। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। क्यों ना करो गुरूर, तुम्हारे पास है ही क्या देव, सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है और आज के बाद दौलत भी। जानती हो ना, चांद पे भी रूप सिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है और तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। तो बुक को कंप्लीट करने के बाद में जब मैंने हिंदी, तेलुगु, मलयालम और बंगाली मूवीज को देखा तब मुझे समझ में आया कि बुक में और मूवी में कितना फर्क होता है। उस फर्क पे आने से पहले हम बात करते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें आवारा मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर समाज की ऐसी सच्चाई लिखी हुई होती है जो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उन्हीं किताबों में से एक आती है देवदास, जो 1917 में पब्लिश की गई थी। बट पब्लिश करने से पहले शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी को इस बात का डर था कि इसे पब्लिश करूं या ना करूं, क्योंकि समाज ऐसी किताब को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें शराबी कैरेक्टर और वैश्यालय दिखाया जाए। बट आगे चल के इसी किताब पर सबसे ज्यादा मूवी बनी, और सबसे पहली मूवी बनी 1928 में साइलेंट देवदास, जिसे मैं देख नहीं पाया। 1935 में पीसी बरुआ, जो देवदास की नॉवल से इतने ज्यादा अटैच थे कि उन्होंने 3 मूवीज बनाई। पहली मूवी उन्होंने बंगाली में बनाई, फिर 1936 में हिंदुस्तानी देवदास बनाई, और फिर 1937 में आसामी लैंग्वेज में देवदास बनाई, और फिर 1930 में वेदांतम जी ने तमिल और तेलुगु देवदास सेम ईयर सेम एक्टर के साथ में बनाई। और फिर इन सबको देखते हुए साल आया 1955, जब दिलीप कुमार की देवदास हमारे सामने आई। तो तेलुगु की देवदासू और हिंदी की देवदास दोनों ही स्कूल लाइफ से शुरू होती, जहाँ से बुक की शुरुआत होती। यानी कहने का मतलब ये है कि बुक से एक्यूरेटेड मूवी बनाई गई है, बस 21-20 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और 1965 में पाकिस्तानी देवदास भी बनी है, और 1978 में अमिताभ बच्चन जी ने एक देवदास बनाई जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। अब इसका नाम अलग ही इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम देवदास दिखा रही थी, और ये एक्चुअली में बुक से इंस्पायर करके बनाई गई थी। सेम टू सेम कहानी को नहीं लिया था, एक इंस्पिरेशन ली थी। और मुकद्दर का सिकंदर तेलुगु और तमिल में भी रीमेक करके बनाई गई। और साल बीतते गए, बंगाली और मलयालम देवदास भी आ गए, और फिर साल आता है 2002 का, जब हमारे सामने आती है संजय लीला भंसाली की देवदास। अब संजय लीला भंसाली की देवदास बनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो नाम था इसके राइट्स किसी और के पास थे। तो पहले तो भंसाली जी को इसके राइट्स के लिए लड़ाई करनी पड़ी, फिर ये मूवी उस समय की सबसे एक्सपेंसिव मूवी थी जिसका बजट था 50 करोड़। और इस मूवी को कंप्लीट होते होते इसके प्रोड्यूसर जेल चले गए, भंसाली जी को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा, सेट के ऊपर 2 क्रू मेंबर मर गए, और बहुत सारे इंसिडेंट हुए। बट फाइनली देवदास बनकर तैयार हो गई। बट इस फिल्म को पसंद ना करने के अपने खुद के रीजन है उन लोगों के लिए जिन्होंने बुक को पढ़ा हो। जहाँ पे क्लासिक देवदास 80% एक्यूरेटेड थी, वहीं पे भंसाली की देवदास सिर्फ 30% एक्यूरेटेड थी, और 70% मसाला भरा गया था। और जब आप भंसाली जी की फिल्म के अंदर के 15 मिनट देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह की फिल्म होने वाली। देवदास वापस आ रहा है लंदन से। मैं नहीं मानता काकी माँ, पहले चिट्ठी दिखाओ, पहले चिट्ठी दिखाओ। देव वापस आ रहा है। दुग्गा दुग्गा माँ, मेरा तूफान आ रहा है। दुग्गा दुग्गा सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। दुग्गा दुग्गा के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। और इस फिल्म के अंदर जितने भी क्रिंज चीजें आपने देखी है, ये सब भंसाली जी के द्वारा लिखी गई चीजें हैं, बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये फिल्म आई थी 2002 में, और तब स्टार प्लस पे चल रहे थे सास बहू मेलोड्रामा, और इस फिल्म के अंदर भी आपको सास बहू मेलोड्रामा देखने को मिलता है। क्योंकि देवदास और पारो के बिछड़ने के पीछे का रीजन था सोसाइटी, समाज,
जहाँ देवदास एक ऊंची जाति का था और पारो एक छोटी जाति की थी, और साथ ही साथ पारो के समाज में बेटी को बेचा जाता है, यानी शादी करके पैसा लिया जाता है। और उसी वजह से देवदास के पिताजी पारो को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। ये रीजन है बुक का, बट फिल्म का रीजन है फीमेल ईगो। आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जा। ये तो वो बातें बताई है जो कैरेक्टर्स के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये नोवेल की सोल को बर्बाद करती। और सोल है देवदास और पारो का रिश्ता, क्योंकि देवदास ने पारो के जाने के बाद में किसी के सामने भी पारो का नाम तक नहीं लिया था, क्योंकि वो पारो को बदनाम करना नहीं चाहता था। इसीलिए आप जब मूवी भी देखो या नोवेल पढ़ो तो बार बार इस वर्ड को यूज किया जाता है। अब अगर तुम्हें बदनाम करूं तो देवदास पारो को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए ना उसने कभी धर्मदास को वजह बताई ना कभी चुन्नी लाल को वजह बताई। नोवेल का एंड आते आते वो चंद्रमुखी को पारो का नाम गलती से बता देता, उसके अलावा वो पारो का नाम तक नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो बदनाम करना नहीं चाहता। वहीं पे भंसाली ने फिल्म के अंदर पारो के जाते ही चुन्नी लाल से लेके मुजरे में बैठे हुए हर एक बंदे को पारो का नाम बता दिया। और भंसाली जी ने सिर्फ इस रिश्ते पे ही मजाक नहीं बनाया, उन्होंने चंद्रमुखी और पारो के रिश्ते का भी मजाक बनाया है इस गाने को एड करने के लिए। आओ मैं तुम्हें पहले नोवेल के बारे में बताता हूँ। तो नोवेल में पारो का एक गांव है जहाँ उसकी शादी हो जाती है, और जो देवदास रहता है वो कोलकाता में जाकर चंद्रमुखी से मिलता है। और वहीं पे मूवी बताती है कि नवरात्रि के अंदर पारो को वैश्यालय की मिट्टी चाहिए थी, उसी मिट्टी को लेने के लिए वो चंद्रमुखी के वहां जाती है। चंद्रमुखी कोलकाता में, डिस्टेंस तुम देख रहे हो, बट भंसाली जी ने लिमिट क्रॉस कर दी। और फिर फिल्म में देखने को मिलता है कि ये दोनों एक साथ मिलकर ढोला रे ढोला पे नाच रहे हैं। और ओरिजिनली बुक के अंदर लिखा गया है कि ना कभी पारो मिली थी और ना कभी चंद्रमुखी मिली थी। इवन पारो को ये तक नहीं पता था कि जो देवदास मिलता है उस लड़की का नाम चंद्रमुखी है। और वहीं पर फिल्म के अंदर जो आपने ये देवर जी वाला क्रिंज कैरेक्टर देखा था, एक्चुअली में ये भी फ्रिक्शनल ही है, नॉवल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि भंसाली जी ने देवदास को दिल से नहीं बनाया, बिल्कुल दिल से बनाया। इसकी ब्यूटी को उन्होंने दिल से बनाया, इसके डायलॉग्स को उन्होंने दिल से लिखा है, साथ ही साथ इन्होंने इस फिल्म के अंदर रेफरेंस भी दिल से बनाया। जैसे कि इस म्यूजिक के अंदर ये दोनों साइन लैंग्वेज में एक दूसरे का फ्यूचर बताते थे, जैसे शाहरुख खान कहता है कि तुम्हारी किस्मत में तो बुड्ढा लिखा हुआ, वहीं पे ऐश्वर्या राय कहती है कि तुम्हारी किस्मत में तो प्यार भी नहीं लिखा। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे रेफरेंस डाले गए, जैसे पारो के जाने के बाद में देवदास का सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनना, एवरीथिंग इज गुड। और एक्चुअली में मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि बुक में या फिर दिलीप कुमार जी की देवदास के अंदर जो चंद्रमुखी और देवदास की लास्ट मीटिंग होती है, इन दोनों का जो रिलेशन का एंड होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। बट मूवी के अंदर जो इनका एंड था, जो तुम्हें ठीक से समझ भी नहीं आया होगा, वो इनकम्प्लीट एंड है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो पर्सनली जिन्हें भी देवदास को बेटर समझना, या तो वो बुक पढ़े या फिर दिलीप कुमार की फिल्म को देखे। तो आखिरकार सवाल आता है कि परफेक्ट देवदास कौन सी है? तो उसका जवाब है अनुराग कश्यप के द्वारा रिटन एंड डायरेक्टर देव डी। ये एक्चुअली में मॉडर्न डे देवदास है। पारो, एक फोटो भेजना। है तो तुम्हारे पास? बिना कपड़ों वाली। पागल हो गए? और इसे ब्रिलियंट कहने के पीछे का रीजन है इसके रिश्ते। हर फिल्म में आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि फैमिली ने इनके रिश्ते को खत्म किया, बट एक्चुअली में पारो और देवदास के ईगो ने इन दोनों के रिश्ते को खत्म किया है। और बुक में भी ऐसा ही कुछ होता है, जब देवदास पारो से शादी से पहले मिलने के लिए जाता है तब वो बात करके उसे सॉर्ट कर सकते थे, बट उनका ईगो इतना बड़ा था कि उन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया। और अनुराग कश्यप की फिल्म के अंदर भी यही दिखाया जाता है, और एक्चुअली में अनुराग कश्यप ने इसकी हैप्पी एंडिंग की है। तो अगर तुम्हें देखना हो तो देवडी जरूर देखना। और वहीं पे संजय लीला भंसाली अनुराग कश्यप की देवदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनका पर्सनली ये कहना है कि पारो और चंद्रमुखी के रिश्ते को आपने बर्बाद किया इस फिल्म के अंदर। और अनुराग कश्यप जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं उनका रीजन देवडी भी है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मॉडर्न डे देवदास बनाए तब बाकी लोगों ने भी ट्राई करने की कोशिश की, और इन फ्यूचर देवदास के ऊपर फिर से कोई ना कोई मूवी बनेगी, क्योंकि जहां जहां पे एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी याद की वहां वहां देवदास का नाम याद किया जाता है। और एक्चुअली में मैं कहना चाहूंगा कि जो
कबीर सिंह है वो हाफ देवदास है। कॉलेज लाइफ में मिलना, ईगो की वजह से बिछड़ना और क्लाइमेक्स में मिलना। तो ये था मेरा वीडियो देवदास के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन और वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट में अपना ओपिनियन देना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में।